हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और माइनक्राफ्ट के ये एपिसोड में क्या होने वाला है कि हम अब अपना कासल को, जो हमने प्लेन एरिया जो वहां पे बनाया था अपने कासल के लिए, तो अब हम उसके कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी ये सीधा पार्ट बाय पार्ट चलेगा क्योंकि कासल बहुत जाइंट बनाने वाले हैं हम, तो एक दिन में तो ये बनने वाला है नहीं। तो धीरे 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 ये स्टेप बाय स्टेप कासल बिल्ट होगा और आप लोग मुझे सजेशन दोगे कि कैसे ये बने और मैं क्या इंप्रूव करूँ। तो आज के इस एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं कि हम अपने कासल को तैयार करने वाले हैं। कासल का सेकंड स्टेप अपन तैयार करेंगे कि उसकी बाउंड्री वॉल्स जिस हिसाब से भी हमें लगता है कि बाउंड्री वॉल्स जैसी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम अपनी बाउंड्री वॉल्स बनाएंगे। तो चलो सीधा गेम में। तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी गेम में। तो लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था, अपना ये पूरा बाउंड्री देखो पूरी क्लियर की थी हमने। तो आज हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ना ये बाउंड्री वॉल्स बनाएंगे, ठीक है। तो बाउंड्री वॉल्स बनाने के लिए हमको चलना पड़ेगा अंदर। तो हम चलते हैं सीधा अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या तैयारी की है अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए मैं फुल ऑन तैयार बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मैंने अभी आपको नई चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने पूरे चेस्ट रूम बनाया हुआ है और इसके अंदर देखो सारा, देखो ब्लैक स्टोन, ठीक है, डीप स्टोन है, यहाँ पे मेरे सारे औजार हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्मूथ स्टोन बना के रखा हुआ थोड़ा बहुत, और ये यहाँ से मैं नेदर से काफी कुछ चोरी करके लाया हूँ। ये सारा मैंने जो उनका वो ब्रिक्स नहीं थे, वो सारी चोरी करके ले आ गया मैं वहां से, मतलब वहां से तोड़ा और यहाँ ले आया। तो बहुत मेहनत लगी है इसके लिए, पर अभी मुझे ज्यादा चाहिए स्मूथ स्टोन, ठीक है। तो स्मूथ स्टोन कहाँ पे है, तो स्मूथ स्टोन थोड़ा ले लेते हैं, थोड़े बहुत स्लैब्स ले लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ स्टेयर्स ले लेते हैं इसकी, ठीक है। जो रेड स्टोन है ना, वो मैं सोचा है ना कि मैंने वो घर के घर बनाने के यूज में आएगा, ज्यादातर मेरे ख्याल से स्टेयर्स लगेंगी, तो स्टेयर्स ज्यादा ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं स्टेज ले गया, मेरा पूरा स्टेक फुल हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं वहाँ के थोड़ा एरिया साफ करने की कोशिश करता हूँ और फिर चलते हैं, ठीक है। तो अब पूरा इलाका, अब आप देख लो, पहले इलाका देखो बिल्कुल साफ हो रखा है और ये सामने की तरफ ही ऐसे में ना अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करूँगा, एक एक स्टेप कर करके ना दो दो स्टेप की यहाँ पे मैं पूरी लाइन बना दूंगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। आपको ऐसे में समझ नहीं आएगा, पर जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ वैसे मैं, रुको इससे नहीं करता क्योंकि इसमें थोड़ी एंटेंटमेंट लगी हुई है, तो अभी इससे कर देते हैं, ठीक है। ये जगह ना पहले दो दो स्टेप में साफ करनी है। जैसे फर्स्ट स्टेप, जैसे ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये ऊपर का भी पूरा साफ करते हुए चलते हैं, ठीक है। रुको, पहले मैं इतने से का बना के ना आपको दिखा देता हूँ एक, ठीक है। तो जैसे कि ये किया हमने, ये हो गया हमारा। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट स्टेप है ना, तो यहाँ पे अपन स्टेयर्स लगाएंगे, ठीक है। पहले स्मूथ स्टोन का भी कोई काम नहीं है, तो ये ऊपर जा ये नीचे आ, तो अपन सबसे पहले यहाँ पे स्टेयर्स लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसे 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 सारी की सारी मैंने ब्रिक्स की बनाई है स्टेयर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेयर होगी, ठीक है। फिर ये तो स्टोन है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इनको निकालते हैं यहाँ से, डर्ट अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे। मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसके जगह स्मूथ स्टोन ही लगा देते हैं, ठीक है, ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को निकाल के पता है क्या होगा, यहाँ पे ना थोड़ा ही अच्छा सा लुक आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्मूथ स्टोन लगा दिया, वैसे एक एक भी लगाता तो बहुत था, एक एक ही लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर की तरफ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा स्मूथ स्टोन है नहीं मेरे पास, अगर और ज़रूरत पड़ी तो फिर और बनाना पड़ेगा। देखो फर्स्ट स्टेप बन गया, ये फर्स्ट है, सेकंड स्टेप। अब मैं आपको बताता हूँ, पूरा अच्छे से पहले बना देता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना स्मूथ स्टोन डाल देंगे, ठीक है। ये दूसरा स्टेप बन गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है काम, पर एक बार ये बन गया ना तो आप लोगों को पता चलेगा लुक क्या आ रही है, ठीक है। ठीक है, जब मैंने अपनी केव बनाई थी ना, तब ये मेरे दिमाग में आया था कि यार मैं भी अपने ना कासल का ऐसा ही कुछ लुक बनाऊंगा, ठीक है। स्टेज लगा दूंगा, वो देखो आप, ठीक है, स्टेज देखो आप क्या लग रही है। अब ये सोचो जो इतने से पोर्शन में है, जब ये पूरा घूम जाएगा यहाँ पे और इधर की तरफ ये सारा घूम जाएगा, जो भी ये ऊंचा इलाका है यहाँ पे घूम जाएगा, तो आप ये सोचो कितना अच्छा लगेगा ये, ठीक है। क्यों, इसके बीच में हमारा पूरा कासल, ठीक है। तो अब हम इस जगह का भी काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जगह भी हमने एट द एंड बनानी ही है, तो हम ये पूरा इलाका हमने साफ करना है, थोड़ी दिया तो फिर लगाना ही पड़ेगा। तो चलो चलो जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं। तो भाई वो फाइनली ना मैंने एक तरफ का तो ये जगह साफ कर चुका हूँ, ठीक है। जैसे इस साइड का मैं कर चुका हूँ, काफी छोटा पोर्शन है मैं मानता हूँ, ठीक है। मुझे ये साइड पूरी करनी है, आप देखो ये दो पिलर के बीच में कितना गैप है, पर मैं इतना तो कर ही चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसा है, ठीक है। तो इतना मैं कर चुका हूँ, तो जल्दी जल्दी ये वाले भी तोड़ने गया। यहाँ पे ये स्टोन नीचे ना, मैंने ये कैसे भूल गया मैं ये, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इसमें स्मूथ स्टोन लगाना है हमने, तो जल्दी जल्दी इनको लगाते हैं। बस ये चार लाइनें लेके जाऊंगा मैं पूरी एंड तक, ठीक है।
तो हमारी चार लाइनें बन चुकी हैं, अब हमारा क्या है स्टेज का काम रह गया है। स्टेज लगाते हैं जल्दी इसमें। ये देखो ठीक है, हमारी स्टेज बन चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लास्ट लास्ट में आपने कितना, ओ भाई अभी से ही कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ जाके ही दिखाता हूँ मैं आपको ठीक है। आप खाना भी लेके आऊँगा मैं भी ऊपर से ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमारा लक कैसा रहा। ओ भाई क्या ही लुक आ रही है इनकी, देखो ऐसे में ब्लैक। अगर ये बंदा ने थोड़ा ये 3D टाइप का बन गया, देखो सामने से जाएगा अगर कोई तो इनको ये ब्लैक में दिखेगा ठीक है, पर जो ऊपर से आएंगे तो ब्लैक एंड वाइट दोनों दिखेंगे ये देखो ठीक है। ओ भाई बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर अभी मुझे इतना और वहाँ तक, यहाँ से वहाँ नहीं, उधर की तरफ तो प्लेन है वो इलाका ठीक है, यहाँ से वहाँ तक करना है। तो जल्दी जल्दी इसको पूरा करते हैं यार, जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं। कहाँ है, अरे शफल कहाँ है, शफल भी ये ख़त्म है, शफल भी लेके आनी है मेरे को। चलो जितना करते हैं ख़त्म ही होगी, चलो शफल लेके आते हैं। तो मैं शफल लेके आ गया, अब शफल लेके आई गए हैं तो फिर काम भी कर ही लेते हैं जल्दी जल्दी। एक एक शफल लेने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है। अब मुझे ये हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि भाई मुझे वहाँ नहीं यहीं पर बुला लेना चाहिए था ठीक है, मैंने गलत फैसला किया अपना। ये रुको यहाँ पे कॉबल स्टोन आना है, इधर की तरफ स्टेयर आना है, तो ये वाली दो इलाके हमें साफ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक एक करके सारा कुछ साफ कर रहा हूँ। तो भाई ये फाइनली मैंने ना अपना ये रास्ता जैसा तो बना ही दिया है ठीक है, पूरा वहाँ से वहाँ तक का पूरा ये रास्ता जैसा बना चुका हूँ ठीक है। और अब मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल प्लेन एरिया है ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सीढ़ियों को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से जल्दी इनको कंप्लीट करते हैं। कॉबल स्टोन हमारे पास काफ़ी तो नहीं कह सकते पर है ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी इनको स्मूथ स्टोन्स को बना देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। तो भाई हम सो के आ चुके हैं फाइनली, देखो मेरा मैंने इतना इलाका बना चुका हूँ ठीक है। ये क्रीपर क्रीपर घूम रहा है, मैं क्या करूँ। चलो इनके साइड से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। नहीं यार मुझे अपनी स्वॉर्ड लेके आनी पड़ेगी, उसमें एंचेंटमेंट लगी हुई है, वो स्वॉर्ड लेके आता हूँ मैं ठीक है। उस स्वॉर्ड से मारेंगे इसको ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पे ये गड्ढे कर देंगे तो अभी मुझे फिर से भरने पड़ जाएंगे और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और यार अच्छा हुआ मुझे याद आ गया वापस आना है ठीक है। मैं खाना ले जाता हूँ थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा का तो मतलब ही नहीं पता चलता है इसको तेरा ठीक है ठीक है। और स्वॉर्ड मेरे पास ना डायमंड नहीं वाली स्वॉर्ड ले जाता हूँ यार। चल हो गया, तू ऊपर जा, तू नीचे आ, खाना खा ले पहले यार, कहीं पैसे ठीक है। तो जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, खाना लेके आ गए हम। और क्रीपर यार अभी क्रीपर थे ना यहाँ पे, कहाँ गए भाई। गजब यार गजब, ये भी नशे अच्छे हैं इनके ठीक है, सीधा ही गायब हो जाए बंदे। चलो अच्छा है वैसे, पर मुझे यहाँ पे गड्ढा गुड्ढा तो नहीं करके गए। तीन तीन क्रीपर घूम रहे थे यहाँ पे, पर चलो कोई बात नहीं, अच्छा हो गया चले गए अपने आप ही चले गए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने अब क्या करना है, सीढ़ियों की भी लाइन बनानी है, तो जल्दी जल्दी इनको भी बना ही देते हैं। तो भाइयों फाइनली अब हम ये भी सीढ़ियाँ भी हमारी लग चुकी हैं। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ मैं कैसा लग रहा है ठीक है। अब आप मुझे बताना कैसा लग रहा है मेरा आइडिया ठीक है। तो ये इतना कर रखा है, मैं सोच रहा हूँ इसको भी इतना बराबर कर देता हूँ ठीक है, तो ये चारों तरफ से बराबर हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर अभी आपको कैसा लग रहा है मुझे ये चीज़ बताओ ठीक है, आपको कैसा लग रहा है ये मेरा यहाँ तक ना, क्योंकि ये इवन सरफेस है ना यहाँ पे तो लग रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और आगे ले जाना पड़ेगा चारों तरफ से ऐसे करने के लिए। पर हम देखते हैं वो किस हिसाब से करते हैं ठीक है। पहले मैं इस साइड का भी कर देता हूँ बराबर ठीक है, तो पहले जल्दी से जल्दी इसको भी कर देते हैं बराबर। तो भाइयों अब मेरे पास ना स्मूथ स्टोन भी ख़त्म हो चुका है ठीक है, अब बस स्मूथ स्टोन के ये दो ही पीस पड़े हैं और मेरे पास स्टॉक में भी अब कोई भी नहीं है स्मूथ स्टोन, तो हमें कुछ बनाना पड़ेगा। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, हमारे पास स्मूथ स्टोन के लिए काफ़ी कॉबल स्टोन भी पड़ा हुआ है और स्टोन भी पड़ा हुआ है ठीक है, जो मैं पहले ही फर्नेस में लगा रखा था। पर अब मुझे फर्नेस पे फिर से लगाना पड़ेगा क्योंकि स्मूथ स्टोन तो अब चाहिए ना। तो अगर हमारे पास स्टोन पड़ा हुआ है ठीक है तो वो तो ठीक है, अगर नहीं पड़ा हुआ है तो हम पड़ गए पंगे में ठीक है। तो सबसे पहले कॉबल स्टोन देखते हैं, हमारे पास कॉबल स्टोन तो चलो भरा पड़ा है स्मूथ, अरे है हमारे पास स्टोन्स बहुत है ठीक है। तो जल्दी जल्दी इनको फर्नेस पे लगाते हैं, फर्नेस में मेरे ख्याल से कोल होना चाहिए यार, मेरा कोल है क्या इनमें, हाँ कोल है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्मूथ स्टोन बनने के लिए लगा देते हैं ठीक है, जल्दी जल्दी लगा देते हैं। अरे खुल, ये इसमें क्या, अरे स्टोन है
अच्छा ये अभी कॉबल स्टोन से स्टोन बना होगा, एक बच गया होगा, तो चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी इनको लगा देते हैं। कितना टाइम लगता है, तब तक मैं क्या करूँ, तब तक मैं सीढ़ियाँ लगा देता हूँ वहाँ पे, ठीक है, जब तक ये बन रहे हैं तब तक मैं वहाँ पे सीढ़ियाँ लगा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास सीढ़ियाँ यार और लेके जानी पड़ेंगी, यहाँ से लेके चले जाता हूँ मैं, और सीढ़ियाँ लेके चले जाते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे थी स्टेयर्स तो कम नहीं पड़ रही ना, कहीं बनानी पड़ जाएंगी यार अभी मुझे, और स्टेयर्स है। चलो ये वाली अभी यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल से मैं कहीं और जगह भी रखी है यार स्टेयर्स शायद, तो कॉबल स्टोन पड़ा हुआ है यार, और ये कॉबल स्टोन ना मुझे थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं पड़ी उसको तोड़ने की, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे काम किया था ना, अच्छा यहाँ पे हैं स्टेयर्स, थोड़ी बहुत स्टेयर्स यहाँ पे भी हैं, तो चलो ठीक है, ब्रिक्स नहीं चाहिए मुझे, तो स्टेयर्स चाहिए थी, स्टेयर्स मिल गई हैं। अब हम स्टेयर्स लगाने का काम कर लेते हैं, जब तक ये स्मूथ स्टोन बन रहा है तब तक हम स्टेयर्स लगा लेते हैं, क्योंकि वो भी तो करना ही है ना यार, एट द एंड हमको वो भी करना ही है। और अंदर देखो स्केलेटन घूम रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ इनको शेड मिल चुकी है, तो स्केलेटन घूम रहे हैं यहाँ पे हर जगह, तो उनसे भी बच के रहना पड़ेगा, पर काम तो करना है ना यार, आज आज में मुझे ये बाउंड्री बनानी है। चलो जल्दी जल्दी इनको भी बना देते हैं। तो भाई फाइनली हमने ये स्टेयर्स भी लगा चुके हैं, अब हमें चाहिए स्मूथ स्टोन, क्योंकि हमें अब थर्ड लेयर और वहाँ की दो लेयरें और बनानी है बस, ठीक है। जैसे ही वो हो जाते हैं तो हमारे ये पूरा हो जाएगा, फिर इसके ऊपर हमने अपनी बस वॉल खड़ी करनी है, ठीक है। तो हम जल्दी से जल्दी अपना स्मूथ स्टोन लेके आते हैं, कहाँ पे हैं, कितने हैं, मैं मुझे लग रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्मूथ स्टोन का मैंने पंगा गलत ले लिया, क्योंकि स्मूथ स्टोन ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। नहीं यार हो गए, हाँ ठीक है, सारे मैं ले लिए, अब हम क्या चलते हैं, सबसे पहले सो जाते हैं यार, बाहर तो हो गया रात, तो मॉब्स आने से पहले तो अपन पहले सो जाते हैं, फिर उसके बाद स्मूथ स्टोन की पूरी एक लाइन बनानी है हमने फिर से, ठीक है। दो लाइनें उधर और तीन लाइनें इधर, तो जल्दी जल्दी ये भी बना देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पता है मेरा सबसे ज़्यादा मुश्किल, अरे 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 हाँ हाँ तू जलते रहेगा, सबसे ज़्यादा मुश्किल ये वाली लाइन थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे पहाड़ भी काटना था और लाइन भी बनानी थी, और ये वाली लाइनें बहुत ईजी हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पहाड़ पूड़ कुछ नहीं काटना, यहाँ पे क्या है सिर्फ बनाना है, ठीक है, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो अब ये वाले हैं, तो इनमें लगाते हैं ये वाले, ये ब्लॉक्स लगाना बहुत आसान होता है अब। तो भाई अभी भी काफ़ी स्टोन मेरे पास बच गया है, ये भी कंप्लीट होने वाला है, स्टोन का काम हो गया है कंप्लीट, ठीक है। और अभी भी मेरे पास देखो कितना, 13 और 34, अच्छा ज़्यादा नहीं बचे यार, 34 ही बचे हैं, ठीक है। 13 और 34 कितने होते हैं, 42 ही बचे हैं, 42 होते हैं, 46 होते हैं, पता नहीं कितने भी होते हैं, जितने भी होते हैं उतने बचे हैं हमारे पास, ज़्यादा नहीं बचे। अब हम स्टेज लगा लेते हैं, स्टेज अब उनको लगानी है, काफ़ी लगानी है यार, स्टेज भी रख लेते हैं, ठीक है। अब स्टेज लगाना स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी ये स्टेज हो जाए ना, फिर उसके बाद अपनी सारी टेंशन ख़त्म, पहले नीचे वाली लगा लेते हैं। तो भाई वो फाइनली हमारी वो सारी वॉल तैयार हो चुकी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या लुक आ रहा है उसका, 2 सेकंड पहले मैं खाना खा लूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले वो उसका लुक क्या आ रहा है, अब आप देखो क्या लुक आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये क्या सीन है, ये मर क्यों नहीं रहा, दिन है भाई क्या है, आर्मर वर्मर पहन के भाई ये तो इमॉर्टल टाइप के हो जाते हैं, बीच भी है वहाँ पे। तो आप ये देखो लुक देखो हमारा पूरा क्या आ रहा है, अब हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, हमें ना इसके ऊपर पहले एक वॉल खड़ी करनी है और उसके ऊपर फिर रेलिंग्स, ठीक है। रेलिंग्स भी अपन वही जो जो हम वहाँ से लाए हैं, नैदर से लेके आए हैं ना रेलिंग्स, वही लेके आएंगे। ये बेचारा यहाँ कूद रहा है यार, क्या सीन क्या है, इस बेचारे को ज़्यादा भूख लग रही है यार, इसको पहले खाना खिला देते हैं, रुको अब इसको खाना खिला देते हैं, क्योंकि यार ये भूख के मारे कूदा अभी मैंने देखा इसको। ठीक है अब ये ठीक है, ठीक है, मैं नहीं चाहता यार इसको कुछ होए, ठीक है ना, कि ये कूद का सा रहा था, ठीक है। इसको इधर ले आऊँगा ना तो ये यहाँ से चला जाएगा, तो मैं इसलिए इसको बाहर नहीं ला रहा। तो सबसे पहले हम जाके ना वो वॉल्स लेके आते हैं, ठीक है, जो हमारे पास वो वॉल में लेके आए हो ना, और ये किस काम आता है मुझे ये बताओ यार, रिपेयर एंड डिसएंचेंट, तो डिसएंचेंट करने के काम आता है, और ये अपग्रेड गेयर है, ये पता नहीं किस चीज़ के काम आता है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है, अपग्रेड गेयर किस चीज़ के काम आता है, मैंने वो रेड स्टोन किस में रखी है यार, हाँ ये नहीं, ठीक है, जो मैं रेलिंग लाया था ये मुझे पता था मैंने यही लगानी है, ठीक है, तो ये मुझे फुल ऑन में यही लेके आया था। तो अभी पहले हम ये रेलिंग्स ले लेते हैं, ठीक है, पर उससे पहले मुझे चाहिए ये वॉल्स, ठीक है, तो वॉल्स ले लेते हैं हम, सबसे ज़्यादा तो वॉल्स चाहिए मुझे अभी फ़िलहाल, तो वॉल्स जितनी भी हैं हमारे पास सारी ले लेते हैं, सारी की सारी वॉल्स ले ली हमने और ये रेलिंग्स ले ली। अब पहले क्या करेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करके नहीं, यहाँ पे क्या, वहीं पे करके दिखाता हूँ। अब हमने क्या करना है,
ये जो लाइन है इसके ऊपर ही, ठीक है। पहले हम ऐसे में वॉल बनाएंगे, ठीक है, पहले ऐसे ऐसे वॉल बनाएंगे, फिर उनके ऊपर मैं आपको जैसे एक लुक दिखा रहा हूँ कि कैसा बनेगा, ठीक है। आप लोग मुझे बताना कैसा लग रहा है। अरे यार इसके ऊपर तो चढ़ भी नहीं सकते ना ये, फिर इसके आगे कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। देखो ये हमारी वॉल्स होने वाली है, ठीक है, ये हमारी पूरी वॉल्स होने वाली है पूरे घर में। और यहाँ से एक गेट बनाऊंगा मैं, एक जाइंट सा, ठीक है, एक जाइंट सा गेट इधर की तरफ बनाऊंगा, तो उसके बाद देखेंगे क्या लुक आती है। तो सबसे पहले ना हम ये वॉल्स बना लेते हैं पूरी। वॉल्स तो काफ़ी तेज़ लग रही है भाई, भाई गॉड बहुत मज़ेदार वाली अच्छी लग रही है ये, ठीक है। तो अच्छा मज़ा आ गया इसमें, तो बाहर से तो कोई आने से रहा अब इसमें, बाद में क्या भी तोड़ दें। यहाँ पर लगाया, इसके ऊपर आए, अब रेलिंग बनाना स्टार्ट। आहा, पूरा ध्यान रखो कि ना टूटे ना टूटे, करके पर टूट जाता है। ये पहुंच गए हम, लो जी हमारा ये पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या, रुक गया, अच्छा यहाँ पे भी एक लगाना रह गया था। अब देखो अब ये हमारा पूरा बन चुका है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा लुक आ रहा है इसका। अभी आप ऐसे में तो देख रहे हो ना, कासल अंदर से क्या ही जाइंट लग रहा है, ठीक है। अब देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे ज़्यादा ऊंची बॉल्स नहीं चाहिए ना, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। अब देखो अब क्या लग रहा है। अब मैं ना इधर की तरफ, मैं सोच रहा हूँ इधर की तरफ ऐसे में बड़ी बड़ी मीनारें बना दूँ, इधर की तरफ ऐसे में, मतलब ज़्यादा ऊंची नहीं, इतनी इतनी ऊंची नहीं यार, यहाँ पे मीनारे ठीक लगेंगे। अब मुझे आप आइडियाज़ बताओ ना कि क्या करूँ मैं इसमें। थोड़ा मैं पीछे आपको बैल्कनी में जाके दिखाता हूँ कि कैसा लुक आ गया। ये देखो अब मेरे घर का क्या लुक आ रखा है, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखो कि कितना अच्छा लग रहा है ना ये। तो अब इसमें थर्ड पार्ट में किस चीज़ पे बनाओ, मैं क्या बनाऊँ यहाँ पर, अब मुझे कोई आइडिया नहीं है मेरे पास। अब आप लोग बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये वुडन मेंशन है ना जो, इसको ये वुडन मेंशन ना अच्छा नहीं लगेगा एक कासल में, ठीक है ना, एक कासल में एक वुडन मेंशन दिखने का ही अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक महलों का ना राट बाट वाली, मतलब तगड़ा लुक देने की कोशिश करेंगे। और अभी मैं अगर मैं थोड़ा पीछे से जाऊँ तो वहाँ से कैसा लुक आ रहा है। ओहो भाई वो वाली वॉल ना हमारी, मतलब दिखनी भी बंद हो गई है, इतना बड़ा है हमारा ये जगह। तो आप ये देखो क्या लुक आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो भाई नेक्स्ट एपिसोड में मैं क्या करूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।